नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी, सामने आ रही यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। बड़ी और अहम जानकारी, देश भर की 58 सीटों पर मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी में इस चरण में 162 कैंडिडेट मैदान में है। तो वही आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी, यूपी में इस चरण में 162 उम्मीदवार मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी, अभी तक 27.6% मतदान हुआ है। मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। तो वही आपको बता दें कि यूपी में इस चरण में 162 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 6वें चरण का ये चुनाव, यूपी की 14 सीटों पर ये चुनाव चल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि मतदान फीसदी क्या कुछ बयां कर पा रहा है। प्रयागराज की बात करें तो 23.38% रहा है। भदोही की बात करें तो 25.51% वोटिंग प्रतिशत रहा है। फूलपुर में 22.85% रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की बात करें तो 26.35% रहा है। ये देखिए तस्वीर, देखिए किस तरह से मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कई दिग्गजों ने वोट डाला है। प्रयागराज में किशोर प्रसाद मौर्य ने मतदान किया है। तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने परिवार के साथ अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी ने भी मतदान किया है। कैबिनेट मंत्री ने अपने पत्नी के साथ मतदान किया है। प्रयागराज में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भी वोट कास्ट किया है। सिद्धार्थनगर सिद्धार्थनाथ सिंह ने ज्वाला देवी में भी वोट डाला है। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार ने भी मतदान किया है। बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने भी मतदान किया है। प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। देखिए, मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ, खासतौर से प्रयागराज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, देश को 2014 के भारत और 2024 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, ये घर घर का नारा बन गया है, ये आम जन मानस का नारा बन गया है। ये नौजवान, किसान और दलित, सभी जाति धर्म मजहब के लोग, हमने जाति धर्म मजहब देख करके काम नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। वोट डालना इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और चूंकि मैं फूलपुर लोकसभा का मतदाता भी हूं और शहर उत्तरी का मतदाता भी हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपनी पुत्र वधु के साथ 5 मतदाता हैं। सभी 5ों लोग आकर के मतदान किए हैं और सबसे अपील भी करते हैं, सब लोग परिवार सहित जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनको मताधिकार मिल चुका है, मत देने का अधिकार मिल चुका है, वो वोट डालने जरूर निकले। देखिए, मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ, खासतौर से प्रयागराज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, देश को 2014 के भारत और 2000 लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में देश के भविष्य को तय करने का ये चुनाव है और अपने लोकसभा के हम ईश्वर समान जनता से यही आवाहन करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए वो अपने घरों से निकले और अपनी आहुति देश के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपनी आहुति दे। मैं पूरे, आज देश में वोटिंग है, बस्ती के साथ साथ पूरे देश के लोगों से अपील करूंगा कि आम आवाम के सुख के लिए
और भारत की दुनिया में बढ़ती साख के लिए, तमाम नौजवानों को रोजगार के लिए, गरीबों को रहने के लिए मकान रोजगार के लिए मैं अपील करूंगा पूरे देशवासियों से कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पे वोट करें और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जनपद में। यहाँ पे छोटी सी पोलिंग है, बहुत बड़ी पोलिंग नहीं है ये, और गांव के मध्य में है। जब आते हैं फुर्सत में लोग आके वोट डालते रहते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और लोग, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि हम आए उसके बाद वोट डालें। वैसे अभी तक यही रहता था कि मैं पहला वोट डालता था तब लोग डालते थे, वो तो रुके हुए थे। मैंने कहा नहीं, फोन करके, मैं सिटी में था तो मैंने कहा नहीं, आप लोग वोट डालिए, हम आएंगे आराम से। तो छठवें चरण का रण चल रहा है, चुनावी प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद आज मतदान जारी है। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबेडकर नगर से कुलदीप तिवारी जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भदोही से आदर्श पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदर्श पांडे, आपके पास आते हुए क्या कुछ तस्वीर वहां से आप देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां पर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और उनमें जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं उनके पास मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं? के माध्यम से आपको जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं, अपना मत का प्रयोग करके शांतिपूर्वक निकल रहे हैं। बात की जाए जो मुद्दे हैं वो राष्ट्र के मुद्दे, कहीं ना कहीं राष्ट्र के मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं। जो चाहे विकास की बात की जाए, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम अपने अपने जो मांगे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि देखने को मिली है जो अहोली ब्लॉक के सराय कंसराय गाँव में अंडरपास बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, मतदान बहिष्कार भी किया था, लेकिन सूचना पाते जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह पहुंचे थे काफी दो जहर के बाद मनाने की अंतिम थी, तब जाके ग्रामीण माने हैं और अपना मतदान प्रक्रिया शुरू की। जी, प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़े हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, आपके पास आते हुए तस्वीरें, क्या कुछ वहाँ पर बयां हो पा रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह से उत्साह है मतदाताओं में? जी बता दें, सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह है और सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मतदान हो रहा है उसमें सुबह से ही जनता में काफी उत्साह देखने को मिला है और काफी सुबह से लगातार जनता के लोग मतदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि पुराने शहर में यहाँ जो घर से निकलते नहीं थे, लोगों को प्रेरित किया जाता था कि घर से निकलकर मतदान करें, फिर सुबह से ही मतदान करें, मगर इस समय गर्मी ज्यादा है तो कहीं मतदान थोड़ा स्लो हुआ है, मगर जैसे ही शाम होती है तो उम्मीद है कि फिर मतदान तेजी से होगा। जी सैयद, प्रयागराज में क्या आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर लगातार अभियान भी चलाया गया था कि जागरूकता रैली चलाई गई थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, उत्साहित हो, लेकिन प्रयागराज में तस्वीरें क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस रैली से, इस जागरूकता अभियान से कुछ असर हुआ है? जी बता दें, जागरूकता रैली से कहीं ना कहीं लोगों को फर्क हुआ है और लोग निकल भी रहे हैं। सुबह जिस तरह से मतदान हो रहा था उससे लग रहा था कि बहुत तेजी से प्रतिशत बढ़ेगा, मगर 12 बजे के बाद ये मतदान जो हो रहा था वो थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और अगर बात करी जाए शहर उत्तरी की, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और सबसे कम प्रतिशत यही मतदान का होता है, मगर इस बार शहर उत्तरी में मतदान देखा गया है। और जैसे कि सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और शहर उत्तरी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और मंत्री नंदी अपने क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ मतदान करते दिखाई दिए, तो वही सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना था कि 5वें चरण से हम जीत रहे हैं मगर अब हम 370 की ओर बढ़ रहे हैं अपने। और साथ ही ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी खुश नजर आ रहे थे, उनका कहना था 5-10 चरण तक हम संतुष्ट थे मगर अब ये क्लियर है कि हमारी जीत हो रही है, इस तरह के भी बयान आए हैं। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, पल पल का अपडेट पहुंचाते रहिएगा। कुलदीप के पास चलेंगे, कुलदीप तिवारी के पास। आपके पास अंबेडकर नगर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, मतदाता पहुंच रहे हैं, अगर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ उनके पास ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो वोट करना चाहते हैं? ये मतदाता इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे हैं और अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ज्यादा लोगों द्वारा बताया जा रहा है। जी
कुलदीप, क्या वहां पर गर्मी का जो फैक्टर है वो काफी असरदार हो रहा है, या फिर ये कहें कि जो जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था, उसको लेकर के भी लोग जागरूक होने के बावजूद यहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? जागरूकता को लेकर लोग जागरूक भी हुए, और गर्मी की बात करें तो गर्मी तो बहुत हो रही है, इसके बावजूद भी लोग वोटर जो है घर से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए बूथ पर आ रहे हैं। जी भदोही चलेंगे आदर्श पांडे के पास। आदर्श, वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या गर्मी एक बड़ा फैक्टर है? चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको लेकर के भी लोग कोताही बरत रहे होंगे, तो क्या वहां पर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें पीने के पानी की व्यवस्थाएं, या फिर आप ये कह लें कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए कुछ अलग चीजें हो, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? तो सैयद मोहम्मद आमिर, आपके पास आते हुए प्रयागराज की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर पा रही है? अपने आप में गर्मी एक बड़ा फैक्टर तो है ही, जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए ये वोट, ये मतदान, ये लोकसभा का चुनाव कितना अहम रहने वाला है? देखिए, अगर बात करें प्रयागराज की तो गर्मी तो भले ही है, मगर पुराने शहर में जो वोटर है इस बार कहीं ना कहीं साइलेंट है, और मगर अगर जो बात करी जाए सूत्रों के अनुसार तो लोगों की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, और इस बार जो मतदान हो रहा है वो कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर हो रहा है, मगर ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा 4 जून को कि यह बदलाव के लिए था या विकास के लिए था, और कई लोग विकास के मुद्दे पर भी वोट कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार जो वोटर है प्रयागराज वो पूरी तरह से साइलेंट है, कोई भी कुछ बोलने से कतरा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर है कि लोगों के दिल में बदलाव। सैयद, क्या ये जो मतदान फीसदी है वो बढ़ पाएगा? आंकड़ा क्या कुछ बयां कर पा रहा है? पिछले बार का जो आंकड़ा रहा है क्या उसको तोड़ पाएगा? जी देखिए, जिस तरह से इस बार मतदान हो रहा है, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि पिछली बार के आंकड़े को ये पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जी हाँ, जरूर पार कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा मतदान का है और लोग निकल कर खुद से मतदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि पिछली बार के आंकड़े को ये पार जरूर कर सकेगा। सैयद, एक चीज ये भी निकल कर के सामने आ रही है कि जो प्रयागराज सीट है वो काफी अपने आप में टक्कर का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जहां पर आप हैं मतदान केंद्र पर किस तरह का उत्साह और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर बात करी जाए इलाहाबाद संसदीय सीट की तो यहाँ टक्कर मुकाबला जो है वो तो काफी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जो कि नीरज त्रिपाठी है भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र हैं, जो कि राज्यपाल भी रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता भी थे वो भाजपा के, तो उनकी ध्यान के बाद नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया, कहीं ना कहीं उनका ध्यान में रखते हुए उनको ये बात दिया गया था टिकट। और दूसरी तरफ जो अगर बात करी उज्ज्वल रमण सिंह की, जो कि पहले सपा नेता थे, उन्होंने गठबंधन से उनको कांग्रेस से टिकट मिला और वे कांग्रेस में शामिल हुए, तो उनके पिताजी का भी एक यहाँ पे अच्छा खासा राजनीति का रहा है, क्योंकि रेवती रमण सिंह जो है यहाँ पर काफी रहा है और मुलायम सिंह के समय से ही वो सक्रिय रहे हैं और फाउंडर मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनकी एक अपनी पकड़ है करछना क्षेत्र में, और उज्ज्वल रमण खुद यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो एक राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उज्ज्वल रमण का कहीं ना कहीं ज्यादा है नीरज त्रिपाठी से, और नीरज से ज्यादा उनकी पहचान है राजनीति में और क्षेत्र के लोग भी उन्हें ज्यादा जानते हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। जी अंबेडकर नगर चलेंगे, कुलदीप तिवारी हमारे साथ बने हुए। कुलदीप, वहां का फैक्टर क्या कुछ बयां कर रहा है? वहां पर जो सीट है वो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं अंबेडकर नगर सीधा टक्कर सपा और बीजेपी को लेकर है, क्योंकि छह बार विधायक रह चुके हैं लालजी वर्मा, और जो विधानसभा से कुछ पहले वो सपा में ज्वाइन किए हैं, और रितेश पांडे अभी जल्द ही बसपा से बीजेपी ज्वाइन किए हैं। अगर देखा जाए तो इन लोगों की लड़ाई कांटे की लड़ाई हो रही है, और बसपा भी से कमर आया जो अंसारी जी हैं वो भी खड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो बसपा भी यहाँ पे उन लोगों से टक्कर में चल रही है। ठीक है,
सैयद मोहम्मद अमीर आपके पास आते हुए, सैयद क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये फैक्टर बैक टू बैक चेंज हो रहा है, कभी गर्मी का और कभी किसी चीज को लेकर के यहाँ पर लगातार बहिष्कार की खबरें भी सामने आ रही है विकास को लेकर के, तो क्या ये फैक्टर कितना अहम रहने वाला है अपने आप में? देखिए जहाँ पे अगर बात करी जाए बहिष्कार की, तो कुछ एरिए में यहाँ पर पोस्टर लगे थे कि पहले हमारी समस्या को दूर करें तब हम मतदान करेंगे, चाहे वो 12 क्षेत्र में पानी की समस्या का मामला हो या पुराने शहर के तरसैया क्षेत्र में गली के निर्माण का मामला हो, इस तरह के बैनर लगे थे। मगर बाद में समझा बुझाकर उन्हें समझाया गया, जिसके बाद मतदाता अपने मतदान करने के लिए तैयार थे। मगर अगर बात करी जाए कई क्षेत्रों में तो बात विकास की है, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी विकास नहीं हुआ। अगर बात करी जाए 12 क्षेत्र में तो हमेशा वहाँ पानी की समस्या रहती है पीने की, और जिसको लेकर मतदाता नाराज थे। और अब देखना होगा कि किसके पाले में वोट जाता है, ये देखने वाली बात होगी, ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 6वें चरण में यूपी के 14 सीटों पर वोटिंग जारी है, लगातार कहीं से बहिष्कार की भी खबरें सामने आ रही है, तो कहीं लोग लगातार जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो रोजगार की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। संत कबीर नगर से बड़ी जानकारी, मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। बड़ी जानकारी, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए हैं मतदाताओं की ओर से। मेहनिया मतदान केंद्र का ये पूरा मामला है और यहां पर बहिष्कार की खबर, मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है, रोड नहीं तो वोट नहीं के यहां पर नारे भी लगाए गए हैं। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं, मेहनिया मतदान केंद्र का ये पूरा मामला जहां पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया है मतदान का। रोड है न विकास है न रोड है, तो हम रोड से जाएंगे न बूथ पर, जब रोड नहीं तो बूथ पर कैसे जाएं? यहाँ प्रशासन भी आए, विधायक सांसद भी आए, सब लोग आए हैं, सब लोग कुछ नहीं करते हैं, ये लोग सब मनमानी जबरदस्ती हम लोगों को डंडा मार के वोट डराने के चक्कर में आए हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा बेट जगदम्बिका पाल ने मतदान किया है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। केंद्र प्राथमिक विद्यालय सांडी पर वोट किया है, डुमरियागंज से हैं बीजेपी के प्रत्याशी, बड़े अंतर से जीत का दावा भी किया है उन्होंने। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से अपडेट करवा रहे हैं, बड़े अंतर से जीत का दावा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल ने मतदान किया है, मतदान के बाद जीत का दावा करते हुए भी नजर आए हैं। डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जगदम्बिका पाल, और यहां पर जगदम्बिका पाल की ओर से बड़े अंतर से जीत का बड़ा दावा किया गया है। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। लोकसभा में मतदाताओं की अपने घरों से निकल करके पूरे उत्साह उमंग के साथ बूथों पे लाइन लगी हुई है, वो इस बात का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मतों से जीतने का संकेत दे रहा है। और जिस तरह से आने के बाद वोटर्स का एक रिस्पॉन्स और चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई पड़ी, मुझे लगता है उन्होंने मुझे अपनी परीक्षा में बहुत अव्वल नंबर से पास किया। डुमरियागंज लोकसभा में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, गाजीपुर दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईटीआई ग्राउंड में पीएम मोदी जनसभा करेंगे, पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, मौजूद रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गाजीपुर दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर जनसभा करेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आईटीआई ग्राउंड में पीएम का जनसभा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा बेटा आपके सामने, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है,
कैंट विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा किनारे 80 घाट पर जनसभा करेंगे। आज शाम 5 बजे सीएम योगी की सभा होगी। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कैंट विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, गोरखपुर में प्रियंका अखिलेश का आज रैली है, रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में अपना दमखम दिखाते हुए दोनों नेता ये नजर आएंगे। मायावती भी गोरखपुर में आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगी। मायावती भी आज अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। गोरखपुर में प्रियंका अखिलेश का आज चुनावी हुकार, सीएम योगी के गढ़ में गोरखपुर में ये दोनों नेता, दोनों दिग्गज नेता अपने दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। मायावती भी गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, चुनावी हुकार भरते हुए नजर आएंगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।